मुजफ्फरपुर में बैंक लूट से पहले अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है। दो अपराधियों को पैर में गोली लगी है। घटना सिवाई पट्टी के बनघारा इलाके की है। बताया जा रहा है कि इंडियन बैंक के पास कुछ अपराधी लूट की योजना बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस की ओर से भी गोलियां चलाई गई। सुंदरम और दीपू के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल आरोपी को आनन फानन में इलाज के लिए SKMCH में भर्ती करवाया गया है। SSP राकेश कुमार और CT SP अवधेश दीक्षित दलबल के साथ SKMCH अस्पताल पहुंचे। घटना के संबंध में SSP राकेश कुमार ने बताया कि सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बनघारा चौक अंतर्गत एक बैंक को लूटने के लिए करीब 6 की संख्या में अपराधी घूम रहे थे। वहीं ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार अपराधी सुबह से ही बैंक के आसपास घूम रहे थे, तभी इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर दलबल के साथ पहुंची पुलिस के साथ अपराधियों की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में सुंदरम को बाएं पैर में 2 गोली लगी है, वहीं दीपू को दाएं पैर में 1 गोली लगी है। दोनों अपराधियों को पुलिस ने आनन फानन में SKMCH में भर्ती कराया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं अन्य अपराधियों के लिए छापेमारी की जा रही है। सिवाई पट्टी थाना अंतर्गत जो है सूचना प्राप्त हुई थी हम लोगों को कि दो अपराध कर्मी हैं, वो बैंक के आसपास में घूम रहे हैं एक बैंक को लूटने के प्रयास में, जिसमें से एक अपराध कर्मी का नाम सुंदरम था, दूसरे का नाम दीपू था। जब पुलिस इनकी खोज में वहाँ पहुँची है तो पुलिस को देखते ही इन लोगों ने पुलिस के ऊपर गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। 3 गोली पुलिस का जो वाहन है सिवाई पट्टी का उसके ऊपर लगी है। उस दौरान थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने इन लोगों को चेतावनी दी, घेराबंदी की, इन लोगों को सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन ये नहीं माने, लगातार फायरिंग करते रहे। फिर पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई है, पूरी कंट्रोल फायरिंग थी, कमर के नीचे की गई है, जिसमें सुंदरम जो अपराधकर्मी है इनको 2 गोलियाँ लगी हैं और एक अपराधकर्मी दीपू है जिनको 1 गोली लगी है, और दोनों अभी यहाँ इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाए गए हैं। उड़ीसा वगैरह में भी बैंक की लूट की घटनाएं की गई हैं और आज भी इनका प्रयोजन एक बैंक को ही टारगेट करने का था। ये इसी जिले का रहने वाला है, काटी थाना एक यहाँ पर पड़ता है, काटी थाना के रहने वाले हैं। जो दूसरा अपराधकर्मी है उसके बारे में आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। लगभग 3 से 4 केस में वो भी थी 92 में अभी तक वांटेड रहे। हाँ, इनके पास से 2 हथियार बरामद हुए हैं जिनके द्वारा फायरिंग की जा रही थी। कितने मामले सर दर्ज हैं? सुंदरम के ऊपर लगभग 12 केस अभी तक हम लोगों को प्राप्त हैं, जो हम लोगों के अपने ही जिले और राज्य के हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी इनके द्वारा